हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक Q&A वीडियो। आप लोगों ने ही मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे और उसका आंसर मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। काफ़ी सारे कमेंट्स, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैं जाती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के रिलेटेड टू यूट्यूब, रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ, रिलेटेड टू PR एंड कोलैबोरेशंस। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और आपके मन में अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं Q&A पार्ट 2 में उनका आंसर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, विच इज हिस्टोरिकल प्लेस। The next question is, what is your biggest achievement? Although there are a lot of things that I want to include in this answer, but मैं सिर्फ दो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, which I feel that these are my biggest achievement till date. First of all, to be the university topper, वो मेरा एक biggest achievement था और हमेशा रहेगा। That will be a very special for me, क्योंकि मैं studies के साथ साथ और भी कई सारे activities करती थी, जैसे मैं badminton player भी थी, उसके साथ साथ मैं news reading करती थी and I used to give tuitions to students and फिर मेरा YouTube channel भी था। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज़, मुझे मैंने जो स्टडीज़ में मेरा फोकस दिया, मैंने जो स्ट्रगल की, उसका जो मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड जो सेकेंड एंड बहुत ही स्पेशल एक अचीवमेंट है वो है कि यूट्यूब। आई थिंक अ गर्ल लाइक मी हु बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, इतना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे पता है कि मैंने यूट्यूब पर कितना स्ट्रगल, कितना हार्ड वर्क किया है, कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए मेरे लिए ये 25K सब्सक्राइबर्स इज़ अ ह्यूज नंबर। आई नो काफ़ी लोगों के लिए ये रहेगा कि 25K आजकल क्या मायने रखता है, बट फॉर मी इट्स अ बिग अचीवमेंट। और YouTube से, मतलब Google की तरफ से जो पैसा मुझे मिलता है, AdSense की तरफ से जो एक मोनिटाइज हुआ है मेरा चैनल, वो भी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। एंड आई होप आप सबके सपोर्ट से मैं और भी ज़्यादा माइलस्टोन अचीव कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ? आई रियली वांट कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन में पहुंचूं, चाहे वो जर्नलिज्म में हो या फिर वो यूट्यूब में हो, मैं एक एस्टैब्लिश्ड और एक सक्सेसफुल पोजीशन में पहुंचना चाहती हूं, वेयर आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ मेरा ये जो करियर है वो एकदम सेटल हो गया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप सबके सपोर्ट अगर रहे तो डेफिनेटली आई विल अचीव माई गोल। Next question is, how much do I earn from YouTube? To be very honest, 2021 तक मैं काफ़ी अच्छा amount earn कर रही थी। 2022 January में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा amount earn किया था, $200 से ज़्यादा मैंने earn किया था। But 2022 से I don't know what's wrong, but मुझे काफ़ी कम revenue मिल रहा है and the amount is really less। तो आप सब मेरे वीडियोस को ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मुझे फिर से वो जो $200 आप पेमेंट मिले हर महीने। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करने जा रही हूँ। दिस इज़ द हैंड बैग दैट आई एम करेंटली यूजिंग एंड लुक एट द बैग। दिस इज़ वेरी ट्रेंडी क्लासी बैग। दिस इज़ ज़ोक मुगल गार्डन प्रिंट हैंड बैग। एंड ये जो हैंड बैग है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड इसमें कई सारे वेरियंट्स भी अवेलेबल है। इसमें ऑफिस बैग, डफल बैग्स, टोट बैग्स अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। ये मुगल प्रिंट में है, विच आई लव, बट इसमें कई सारे और प्रिंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज रियली स्टर्डी बैग एंड ऑल्सो क्लासी। इसके साथ एक सिंगल जिप क्लोजर आपको मिलेगा और इसके अंदर दो इस तरह के कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप अपने स्टेशनरी या फिर मास्क या कुछ भी सेपरेट करके रख सकते हैं। एंड एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जहां पर चेन भी प्रोवाइड किया है उन्होंने, जहां पर आप कुछ भी अपना पर्सनल चीज़ें इस छोटे से चेन वाले कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। सो दैट इज़ रियली गुड। और इसके साथ आपको एक इस तरीके का लंबा सा नॉन एडजस्टेबल एक बेल्ट भी मिलेगी, जो कि साइड अगर आपको ये वाला छोटा लगे ये हैंडल्स, तो आप इससे भी अपने साइड पर, शोल्डर पे लेने के लिए इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ज़ोक इज अ प्राउडली इंडियन 100% पीटा सर्टिफाइड वीगन ब्रांड। इस बैग का लेंथ है 14 इंचेस, हाइट है 5 इंचेस एंड विड्थ है 7 इंचेस। इसमें वीगन लेदर इस्तेमाल किया गया है, हैंडीक्राफ्ट फैब्रिक है ये,
वाटर रेजिस्टेंट इनर लाइनिंग से बना है एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये जो जिप क्लोजर है ना, ये ऐसा नहीं कि एकदम ख़राब क्वालिटी का है, ये काफ़ी स्मूथली आप इसे ओपन कर सकते हैं, स्मूथली आप इसे क्लोज कर सकते हैं। सो दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि कभी कभार जिप क्लोजर अगर अच्छा नहीं रहता तो बाहर जब हम लोग किसी को पेमेंट देने जा रहे हैं तो बैग ओपन नहीं हो रहा, काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है। बट दिस इज़ रियली गुड एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्टाइलिश, मैं इसे इस तरह से कैरी करती हूँ। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन देयर वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक्स भी प्रोवाइड किया है, यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप जोक बैग्स को ट्राई करना चाहते हैं, दीज आर कम्प्लीटली वीगन, मेड इन इंडिया, पीटर सर्टिफाइड ब्रांड। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मुझे इंस्टा पर बहुत ज़्यादा DMs में रिसीव होते हैं, वो है कि हाउ टू गेट कोलैबोरेशंस या ब्रांड प्रमोशंस। तो पहले मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू कॉन्टैक्ट ब्रांड्स और मैं उनको मेरा जो एक बायोडेटा या फिर मेरा जो भी स्पेशलाइजेशंस है वो मैं सेंड करती थी एंड मेरे चैनल लिंक्स के साथ, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ, एंड दे यूज़ टू कॉन्टैक्ट मी। अगर मैं उनके PR लिस्ट में फिट हो गई, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसमें मेरा चैनल फिट होता है, तो दे यूज़ टू कॉन्टैक्ट मी एंड फिर वो मुझे प्रोडक्ट सेंड करते थे एंड वी यूज़ टू वर्क इन दैट वे। बट अभी मैं ब्रांड्स को बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस लाइंड अप है, मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ जो कि 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं अभी उन पर ही फोकस करना चाहती हूँ जो कि पेड कोलैबोरेशंस है। और अगर आप खुद से अप्रोच करते हैं तो ब्रांड डज नॉट टेक यू सीरियसली एंड दे डू नॉट पे यू फॉर दैट, दे विल ओनली गो फॉर बार्टर कोलैबोरेशंस, जिसमें वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स भेजेंगे एंड दे will not pay you anything। But अभी मुझे payment मिलती है brands के साथ काम करके, तो that's why I only work with them who approach me। मैं किसी भी brand को approach नहीं करती, in fact मेरे पास जो मेरा biodata था वो भी अभी अपडेट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर अगर मुझे लगे कि मैं किसी बड़े ब्रांड को अप्रोच करूँगी तो डेफिनेटली आई विल डू दैट, नो शेम ऑन दैट, यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो मुझे लगता है कि खुद से अप्रोच करो या ब्रांड आपको अप्रोच करे, इट डजेंट मैटर अनलेस एंड अंटिल यू आर वर्किंग हार्ड। तो इसीलिए जब मुझे किसी भी ब्रांड से अप्रोच मिलता है तभी मैं उससे काम करती हूँ, इफ़ I like the product, then only। कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो जिन्होंने अभी, मैं सिर्फ पेड कोलैबोरेशंस ही करती हूँ, तो कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने मुझे प्रोडक्ट सेंड किया है, आई हैड अ वर्ड विद देम कि आई विल डू अ पेड कोलैबोरेशंस विद देम, बट मुझे उनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे एंड आई हैव ड्रॉप्ड द कोलैबोरेशंस। ऐसा कई बार होता है, सो इट्स नॉट लाइक कि किसी ने भी मुझे पेमेंट दे दिया, मैंने उनके प्रोडक्ट्स ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ऐसा नहीं है। इफ दैट वर्क्स फॉर मी देन ओनली आई शेयर द वीडियो विद यू ऑल। सो इन विद दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट Q&A वीडियो में आप लोगों के जो भी क्वेरीज है वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में आप लोगों के साथ उसके जो आंसर्स है वो मैं जरूर शेयर करूंगी। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।